वेलकम टू सोशल। अ हीरो कैन ओनली बी गुड इफ द विलन इज स्ट्रॉन्ग। इसलिए सिनेमा में विलन कैरेक्टर एक हाई वैल्यू रखते हैं। इफ यू इमेजिन प्लेइंग अ विलन इज ऑलवेज चैलेंजिंग, क्योंकि उसमें देयर इज नथिंग टू बी सेंसर्ड, बिकॉज एक विलन का पर्पस ही स्टोरी में नेगेटिव एलिमेंट लाना होता है। कितने आदमी थे? This video is going to be about the most terrifying villains जो हमने Bollywood movies में देखे हैं। We are specially chosen only those villain characters जिनके looks से लेके actions एक तरह का डर यानी कि terror create करते हैं। This is going to be an interesting video जिसको as always team social ने बहुत brainstorm करके rank किया है। So we hope you all like this video. दादू, 100 साल की भूखी चुड़ैल हूँ मैं, मुझे 100 मुर्गियां चाहिए, पूरी 100। नंबर 10, शाकाल इन शान। 1980 में रिलीज हुई फिल्म शान में हिंदी सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग विलन्स शाकाल देखने को मिला था। शाकाल का कैरेक्टर लीजेंडरी एक्टर कुलभूषण खरबंदा जी ने प्ले किया था, जिनको आज की ऑडियंस मिर्जापुर से जानती होगी, जहां वो बाऊजी का रोल प्ले करते हैं। शान में शाकाल के कैरेक्टर को बहुत ही यूनिक वे में दिखाया गया है, जहां इट वॉज अ कैरेक्टर विच वॉज वे बियॉन्ड एनी बॉलीवुड विलन। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि शकाल एक आइलैंड पर रहता है और वहां से बैठकर वो पूरे बॉम्बे शहर को कंट्रोल करता है। इस तरह का विलन ऑडियंस ने पहली बार देखा था, जो अपने लुक से ही एक डर क्रिएट कर देता है। द वे ही टैप्स हिज बॉल्ड हेड स्टिल रिमेन्स अ टेरिफाइंग साइट फॉर द ऑडियंस। ऐसा विलन आज लिखा जाए तो शायद ऑडियंस को उतना टेरिफाइंग नहीं लगेगा, बट जस्ट इमेजिन इन द 80s शकाल जैसा विलन ऑडियंस को देखने को मिला था। वी नो द कैरेक्टर वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम जेम्स बॉन्ड विलन ब्लोफेल्ड, बट स्टिल इंडियन सेंसिबिलिटीज के साथ इसको रिक्रिएट करना डिजर्व्स प्रेज। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। Number 9, Sonia in Aitraaz. Priyanka Chopra is a brilliant actress. The way she plays every character is just phenomenal. Unki famous performances aapne Barfi, Saath Khoon Maaf aur Fashion mein dekhi hogi. But let us tell you ki it was Aitraaz jisse Priyanka ki acting range ka audience ko pata chala tha. In the film she plays a jealous toxic lover jisko screen par play karna ek challenge tha. एतराज एक A-rated फिल्म थी जिसमें एग्रेसिव रोमांटिक सीन्स थे, सो पोर्ट्रेइंग दैट वाजंट अ थिंग दैट पॉपुलर एक्ट्रेसेस डिड बैक देन, बट कूडोस टू प्रियंका जिन्होंने 2004 में ऐसा कैरेक्टर प्ले किया था। अगर आप नोटिस करें तो सोनिया का कैरेक्टर बाकी विलन्स की तरह कोई मर्डर नहीं करता है, बल्कि शी यूजेस द वुमेन कार्ड फॉर हर एडवांटेज। दिस इटसेल्फ मेक्स हर कैरेक्टर क्वाइट स्केयरी ऑन सो मेनी लेवल्स। Number 8, Rakesh in Equivalent. No one ever expected that Ritesh Deshmukh would play the role of a serial killer. Seriously, even we did not. पर जब एक विलन में हमने उन्हें राकेश के कैरेक्टर में देखा, वी ऑल वर ब्लोन अवे बाय हिज परफॉर्मेंस। राकेश एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है जो अपनी मैरिज और ऑफिस लाइफ से तंग आ चुका है। एवरीवन ट्रीट्स हिम बैडली, जिसकी वजह से वो मेंटली परेशान हो जाता है। ड्यू टू ऑल दिस ही स्टार्ट्स टर्निंग इनटू अ मर्डरर। And he kills everyone who teases him. पूरी फिल्म में रितेश अपनी परफॉर्मेंस से स्पॉटलाइट में रहते हैं, एंड इन आवर ओपिनियन इट इज इजीली द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रितेश। नंबर 7, राहुल इन डर। डर के विलन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इट वॉज प्लेड बाय शाहरुख खान, एंड द वे ही प्लेड इट इज स्टिल सीन एज अ बेंचमार्क इन विलनस कैरेक्टर्स। शाहरुख का अपनी चेस्ट पर किरण लिखना या फिर किरण को पाने के लिए लोगों की जान ले लेना, दिस वाज स्कैरी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। बॉलीवुड में उस वक्त हीरोज को सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स में देखा जाता था, बट शाहरुख वाज द वन हु टुक द रिस्क ऑफ प्लेइंग अ विलन। राहुल का कैरेक्टर आज भी लोगों को अच्छे से याद है, एंड इट वाज समवट सो इन्फ्लुएंशियल दैट इन रियलिटी पीपल स्टार्टेड टू बिहेव लाइक दैट। सो इन एवरी वे दिस इज अ टेरिफाइंग कैरेक्टर व्हिच इज स्टिल फ्रेश इन एवरीवनस मेमोरीज। कौन है? I love you, Kiran. Number 6, Chudail in Makri. This is a very unique mention. Shabana Azmi in the role of Chudail is a terrific character. First of all, kudos to Vishal Bharadwaj for imagining such a character. And then the way Shabana Azmi played it, this was an artistic collaboration that you know was made in heaven. So gayi teri raah takte takte. मकड़ी वॉज अ हॉरर फिल्म, और हॉरर फिल्म्स में यूजुअली विलन्स क्लीशे वे में दिखाए जाते हैं,
पर जिस तरह से मकड़ी में शबाना जी ने चुड़ैल का रोल प्ले किया, इट शुड बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज। दिस फिल्म ब्रिंग्स सो मच नॉस्टैल्जिया क्योंकि बचपन में सभी इस फिल्म को देखना पसंद करते थे, पर चुड़ैल के आते ही सब डर जाते थे। दैट इज व्हाई चुड़ैल वाज अ टेरिफाइंग विलन फॉर सो मेनी ऑफ अस। लेट अस नो इन द कमेंट्स योर थॉट्स और मेमोरीज ऑफ दिस फिल्म। इट वुड बी गुड टू रीड सम चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ योर्स। सौ साल की भूखी चुड़ैल हूं मैं, मुझे 100 मुर्गियां चाहिए, पूरी 100। नंबर 5, खिलजी इन पद्मावत। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था उसका विलन अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर, जिसको एक्टर रणवीर सिंह ने प्ले किया है। खिलजी का कैरेक्टर अनडाउटेडली बॉलीवुड के मोस्ट डार्क कैरेक्टर्स में से एक है और रणवीर ने इस कैरेक्टर को बड़ी ही सिंसेरिटी के साथ प्ले किया है। फ्रॉम हिज लुक टू द वे ही टॉक्स एंड इवन द वे ही ईट्स, एवरीथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर वाज वेरी स्केरी। As we told you, ये कैरेक्टर काफी डार्क था और इसको प्ले करने में रणवीर को भी बहुत डिफिकल्टीज आई। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस कैरेक्टर वो खुद मेंटली परेशान हो गए थे। एंड आई वाज आइसोलेटेड, आई वाजंट मीटिंग माय फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एट सम पॉइंट आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज हैविंग अ मेल्टडाउन, लाइक आई वाज इन अ वेरी लाइक आई वाज इन अ मेंटल स्टेट व्हिच आई हैव नॉट बीन इन बिफोर एंड आई थिंक इट वाज जस्ट अ function of living alone and shooting every day and not speaking to anybody. So Ranveer gave everything to this character and no doubt Khilji is one of the greatest villains of the modern cinema. Ye jang 216 se ladi hoti na hoti jang ka ek hi usool hai Rahul, jeet. Number 4, Gabbar Singh in Shole. Kitne aadmi the. One of the greatest villains of Indian cinema, Gabbar is an unforgettable character. ये भी बच गया। गब्बर को लीजेंडरी एक्टर अमजद खान ने प्ले किया था और इसी कैरेक्टर ने बहुत सी ऑडियंस को एक विलन का मतलब समझाया था। इसी वजह से व्हेनेवर वी थिंक ऑफ अ विलन, हमारे दिमाग में सबसे पहला चेहरा गब्बर सिंह का आता है। गब्बर एक डकैत है जो लोगों को मार देता है और उसको पुलिस तक पकड़ने से डरती है। He was so terrifying कि वो ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है और वो भी सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जो भी उसके सामने आएगा उसका ये हाल कर दिया जाएगा। सो जस्ट इमेजिन व्हाट ब्रिलियंटली रिटन विलन गब्बर वाज। ये हाथ हमको दे ठाकुर। Kudos to Saleem Javed for writing such an iconic villain जो आज भी लोगों को अच्छे से याद है। गब्बर के डायलॉग्स आज भी सिनेमा में पॉपुलर हैं, so do let us know कि आपको गब्बर अपनी मेमोरी में किस डायलॉग या किस सीन से याद है। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? नंबर 3, शिव इन मर्दानी 2। मर्दानी फ्रेंचाइज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है उसके विलन्स। मर्दानी पार्ट 1 में वी गॉट टू सी अ स्मार्ट एंड कैलकुलेटेड विलन जिसको ताहिर राज भसन ने प्ले किया था। पार्ट 2 में वी सी अ साइकोटिक विलन शिव प्रसाद जिसको एक्टर विशाल जेठवा ने प्ले किया था। देखने में ही लुक्स लाइक अ टीनेजर बट अंदर से ही इज अ टेरिफाइंग क्रिमिनल हु इज ऑल्सो मेंटली अनस्टेबल। ऐसा कैरेक्टर पुल ऑफ करना अपने आप में ही एक चैलेंज है एंड दैट एज वेल इन अ डेब्यू फिल्म, सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड एन एक्टर विशाल इज। आपको ये विलेनियस कैरेक्टर कैसा लगा था? We are sure that it is one of the characters that cannot be forgotten easily, especially the scene where he is covered in blue paint. It is still a haunting sight for everyone. Shivani, just get that bastard. I will. Number 2, Katya in Ghatak. Undoubtedly one of the most terrifying villains of all time, Katya is an iconic character. Jis tarah se he is shown in the film, it is still unbelievable ki 90s ke era mein hum kitne original villain characters likhte the. Katya from scene 1 looks fearful aur puri film mein uska wo fear ek important role play karta hai. Jis tarah se wo bachchon ko kidnap karne ke baad apne paas rakhta hai, we are sure ki childhood mein aap sab bhi usko dekh ke thoda dar gaye honge. डैनी डेंजोंगपा ने जिस तरह से ये रोल प्ले किया था शोज हाउ वेल ही मास्टर द आर्ट ऑफ प्लेइंग सच कैरेक्टर्स। इफ यू ऑल्सो फील द सेम देन डू ड्रॉप अ कॉमेंट अबाउट कात्यास कैरेक्टर। इट वुड बी गुड टू सी सम नॉस्टैल्जिया इन द कॉमेंट्स। तूने कहा था तू कात्या के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता,
लेकिन अब देख, तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। नंबर वन, लज्जा शंकर पांडे इन संघर्ष। We know you all were waiting for this character in the video. So here it is. Lajja Shankar Pandey tops our list of terrifying villains. Film Sangharsh, chahe kisi ne dekhi ho ya nahi, par sab ne Lajja Shankar ke character ko zarur notice kiya hoga. It's out and out the most terrifying and gruesome villains we have ever seen. Why it tops our list is that it was not a conventional villain, it was a transgender character. But more than that, even film ke leading characters bhi usse darte the, which was not the case with other villains in this video. So that is why it deserves the number one spot. Ashutosh Rana is a great actor, aur jis tarah se unhone ye character play kiya tha, still makes us think what kind of method acting he must be following. Kyunki unke scenes aaj bhi aapko dara dete hain. For example, the famous scene where he does this. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आपको इन सारे विलन्स में से टॉप 3 विलन्स कौन से लगते हैं। इसके अलावा लेट अस टेल यू दैट वी आर आल्सो प्लानिंग मोर वीडियोस वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट विलन्स, जैसे कि 10 मोस्ट क्लेवर विलन्स ऑफ बॉलीवुड और मे बी अ वीडियो ऑन 10 कूलेस्ट विलन्स ऑफ बॉलीवुड। सो लेट अस नो कि आप कौन सी वीडियो फ्यूचर में देखना चाहेंगे। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।